खबर सीतापुर से है। डिफेंस में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्त गिरफ्तार। जनपदीय पुलिस को धोखाधड़ी जैसी घटनाओं को रोकने व वंचित अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री एनपी सिंह के कुशल नेतृत्व में व क्षेत्र अधिकारी सिंधौली श्री शोभित कुमार तथा क्षेत्र अधिकारी क्राइम यादवेंद्र यादव के निकट पर्यवेक्षण में सर्विलांस टीम व थाना कमलापुर संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर धोखाधड़ी 3 अभियुक्तों को जसविंदर उर्फ जस्सी पुत्र कुलवंत सिंह निवासी ग्राम चौरठिया जनपद थाना गोला जनपद खीरी, रोहित मौर्य पुत्र अवधेश मौर्य निवासी ग्राम पीपरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर, ज्ञानेश यादव पुत्र सांवल प्रसाद निवासी ग्राम सेवताप थाना रेउसा जनपद सीतापुर को महोली पुल के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्तगढ़ द्वारा बताया गया कि इन लोगों द्वारा एक गिरोह का बनाकर रांची में बैठे अपने सरगना पंकज के साथ मिलकर आरपीएफ सीआईएसएफ में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसा लिया करते थे। वह अलग अलग स्थानों पर बुलाकर मेडिकल व दस्तावेज सत्यापन कराकर कोर्ट रचित ज्वाइनिंग लेटर उपलब्ध कराते थे, जिसके बदले में मोटी रकम वसूला करते थे। कुछ महीने पहले मयंकर यादव वादी को आरपीएफ में भर्ती कराने के लिए 7 लाख रुपए लिए, जिसमें से अभियुक्तगढ़ उपरोक्त के कब्जे से उक्त कृत्यों में प्रयुक्त 50,000 रुपए व जमा तलाशी से 4 अदद मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। आपको बता दें, गैंग में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गिरफ्तार शुदा अभियुक्तों द्वारा घटना में संलिप्तता स्वीकार की गई है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय में किया गया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट संवाददाता सुनील आनंद के साथ। कल एक लड़का मयंकर यादव है, जो नौजवान बेरोजगार है, वो आरपीएफ में भर्ती होने के लिए पैसे दिए 7 लाख रुपए, पैसे वापस नहीं हो रहे थे। कल थाना कमलापुर पे वो आया, मुकदमा लिखवाया वहाँ पे। मुकदमे में उसने आरोप लगाया कि 2 लड़के रेवशा के, एक लड़का जो है बरेली का है जो सरदार है, और इन लोगों ने एक गैंग बना रखा है। ये लोग पैसे लेके भर्ती करवाने के नाम पे ठगी वाला काम करते हैं। तत्काल सूचना दर्ज कर ली गई। हमारी सर्विलांस प्रभारी सतन विक्रम सिंह और हमारे एसओ कमलापुर 30 लोग मिल करके इसमें बहुत ही अच्छी लोगों ने आज कार्रवाई की। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 2 लड़के रेवशा के हैं, जो क्रमशः ज्ञानेश यादव और रोहित मौर्य हैं, और एक इसका गैंग का जो किंगपिन जसविंदर उर्फ जस्सी पुत्र कुलवंत सिंह चौरठिया गोला खीरी का है ये। और ये 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनका कहना ये है कि ये सभी लोग ठगी वाला काम करते हैं। ये जो लड़के बेरोजगार, उनको पहले इन्वाइट करते हैं कि मेरे यहाँ भाई आपको हम आर्मी में लगवा देंगे, जो CAPF वहाँ भर्ती करवा देंगे, पैसे ला के मुझको आप दे दीजिए। कुछ पैसे लोग ऑनलाइन लेते हैं, कुछ लोग कैश ले लेते हैं। इनका एक साथी और पंकज जो रांची का है, वो भी इस गैंग में सम्मिलित है। ये लोग जगह जगह पे जहाँ पे आर्मी के अस्पताल हैं, चाहे बरेली हो या जहाँ BRO है, दिल्ली हो, लखनऊ, वहाँ बुलाते हैं और अभ्यर्थी के बाँह से ब्लड टेस्ट के नाम पे खून निकलवाते हैं और कहते हैं आपका मेडिकल हो गया है, और बाद में डॉक्यूमेंट लेके फर्जी नियुक्ति पत्र जारी करते हैं उनको। और जब वो लड़का इसमें इन्वॉल्व हो जाता, पैसे मांगता, तो उसको भी गैंग में लोग सम्मिलित कर लेते हैं कि आपका पैसा वापस हम तब देंगे कि जब आप इस और इसमें लड़के को ले आएंगे भर्ती कराने के नाम पे। तो इस तरह से इन 4 लोगों का गैंग है ये। ये काफ़ी पैसे इन लोगों ने इसमें ठगा हुआ है। अभी इनके पास से 50,000 रुपये, 4 मोबाइल फ़ोन और कुछ पत्र बरामद हुए हैं। जो जसविंदर है, इसका एक भाई फॉरन पड़ता है, जो पैसे इसने ठगी से प्राप्त किए थे 10 लाख रुपये, उससे भी ट्रांसफ़र भी इनको किया हुआ है। और भी इनके अकाउंट हम लोग खंगाल रहे हैं। हमारी एक टीम रांची के लिए प्रस्थान कर गई है और अतिशीघ्र पूरे गैंग को हम लोग बस्ट करेंगे और इसमें काफ़ी अच्छी रिकवरी हम लोग इसमें कराएंगे। ये एक काफ़ी पेशेवर टाइप का गैंग है, जो बेरोजगार लड़कों को ठगता रहता है। ये हमको लगता है कि गिरफ्तारी से काफ़ी इस पर अंकुश लगेगा।